था सर जी हमारे पत्रकार की गिरफ्तारी? क्या यह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं थी? क्या यह हमें डराने की कोशिश नहीं थी? लेकिन हम लगातार ये कहते रहे कि हम ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। हम डटे थे, डटे हैं और डटे रहेंगे, और ऐसे ही अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, सवाल और तीखे होते जाएंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ और भी रिएक्शन हम तक पहुंचे हैं, उन्हें भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार की अकूट दौलत से शीश महल खड़ा कर लिया, जिसका खुलासा अभी नव भारत की टीम्स ने किया, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिसे बौखलाकर केजरीवाल जी ने देश की बेटी भावना उसके साथ में गलत किया है, उसके SC ST एक्ट लगाकर जेल में डालना। याद रखना, रावण ने भी माता सीता का हरण किया था और तुमने भी उस बेटी भावना को गलत तरीके से जेल में डाला, और वो केजरीवाल की लंका जलाकर बाहर आ गई है। तुम्हारा विनाश निश्चित है। नव भारत टाइम्स की जो पत्रकार थी भावना किशोर जी, उनके साथ जो हुआ, जो फेक FIR की गई, ये पंजाब में एक नया रिवाज चल पड़ा है कि किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो फेक FIR कर दो। और मैं समझता हूँ ये तानाशाह से कम नहीं है, और ये हिटलर शाही है। एक महिला पर झूठी FIR करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये दिखाता है कि सच दिखाने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा। ये हालात बन चुके हैं पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत ही खराब चल रही है। उस पे ये पत्रकारों के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है कि आप सच मत दिखाइए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब के लिए। तो सर जी ये भी आम लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, आम लोग जो सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़े हैं, टाइम्स नाउ नव भारत से जुड़े हैं, हमारे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हैंडल्स पर, अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और सर जी देश तो लोकतंत्र है, लोगों से चलता है ना सर, तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं, और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, हमारे ऑपरेशन शीश महल के बारे में। रिपोर्टर को टारगेट किया गया, धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, और उसके बाद भावना को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी तब जब बकायदा इनविटेशन दिया गया था। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंच रही होंगी सर जी।